सो दोस्तों, ये है मेरी रॉयल इनफील्ड बुलेट और आज हम जा रहे हैं भाई इसकी सर्विस कराने। वैसे मेरे को तो याद भी नहीं है इसकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सी सर्विस है, पर कोई बात नहीं, आज हम इसकी सर्विस कराने जा रहे हैं। बस ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। और भाई ये कुछ सामान मैं लेकर आया हूँ, इसका इतना ही सब सामान लगता है। अगर आप अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट क्लासिक इलेक्ट्रा मतलब कोई सी भी मोटरसाइकिल को वो कराते हो ना, रॉयल इनफील्ड की सर्विस कराते हो, तो इतना ही कुछ सामान लगता है। वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा और इन सब चीजों का रेट मैं आपको वीडियो के एंड में बता भी दूंगा, ठीक है ना। और बाकी इस समय मेरी बुलेट कुछ 29,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसकी सर्विस थोड़ी सी डिले हो गई थी भाई, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और एक बार मैं आपको सामान भी सारा दिखाई देता हूँ क्या क्या मैं लेकर आया हूँ भाई। सबसे पहले तो ये आ गया अपना इंजन ऑयल। इंजन ऑयल मैं मोटुल का लेकर आया हूँ, 15W50-40। और ये आ गए अपने सामने वाले डिस्क ब्रेक के पैड, ठीक है। और भाई ये आ गया अपना एयर फिल्टर, और ये आ गया अपना ऑयल फिल्टर, ये आ गई अपनी क्लच की वायर, और ये आ गई अपनी एक्सीलेटर की वायर, ठीक है ना। और आप सब सोच रहे होगे कि भाई मैंने सब कुछ तो आपको दिखाया, पर पीछे वाला ब्रेक का वो क्यों नहीं दिखाया, पीछे वाले ब्रेक क्यों नहीं लिए मैंने। वो चीज़ इसलिए नहीं लिए क्योंकि भाई वो अभी मैंने कुछ 10-15 दिन पहले की मेरी वीडियो है उसमें मैंने वो चेंज करा दिए थे, एक आधा महीना हो गया होगा शायद मेरे को, ठीक है, शायद पता भी नहीं है मेरे को पक्का। वो चेंज करा दिए थे, आगे के डिस्क ब्रेक मैंने नहीं चेंज कराए थे, तो इसलिए मैंने वो लेकर रख लिए थे तभी उस वीडियो में। तो आज वो डिस्क ब्रेक भी मैं इसमें गिरवाने वाला हूँ। तो बाकी अब जल्दी से चलते हैं भाई मैकेनिक वाले के पास और इसकी कराते हैं भाई A to Z पूरे अच्छे तरीके से सर्विस। और अगर आप भी अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट की सर्विस कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है ना भाई। तो चलो बातें हुई बहुत और जल्दी से चलते हैं भाई अब मैकेनिक वाले के पास। बाय द वे माय नेम इज़ हर्ष एंड यू वॉचिंग HC नोमैडिक। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, अब मैं पहुंचूंगा भाई मैकेनिक वाले भाई के पास और अपना पुराना वाला जो ऑयल था वो यहाँ पर ड्रेन हो रहा है। और रोड साइड दुकान है तो थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और ये देखो भाई कुछ ज़्यादा ही बेकार कंडीशन में आया भाई ऑयल निकल के, बेकार है ना ये तो भाई, है खराब ही हो गया, काला एकदम, पूरी खत्म खत्म ना। और भाई ये रात जो एक और जगह से नट खुल रहा है, और ये अभी जहाँ से भैया ने नट खोला है ना भाई, कई मैकेनिक ये नहीं खोलते अपना काम बचाने के चक्कर में, पर यहाँ पर सब कुछ होता है भाई, यहाँ पे कोई काम वाम नहीं बचाते बंदे अपना, ठीक है ना। और ये पहली बार खुल रहा है भाई, कभी नहीं खुलवाया ये मैंने, पर इस बार मैं खुलवा रहा हूँ ताकि अच्छे से जितना भी ऑयल है वो सारा बाहर आ जाए, जो भी गंदा ऑयल है। लो भाई अब सारा ऑयल अपना धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा, फिर इसमें नया ऑयल घेरते हैं। और अभी इसकी ज़रा मैं आपको एयर फिल्टर की और ऑयल फिल्टर की भी कंडीशन दिखाता हूँ। तो ये खुल गया भाई इसका ऑयल फिल्टर, और यहाँ से भी थोड़ा बहुत ऑयल आपको देखने को मिल रहा होगा। और देखो भाई कितना ज़्यादा बेकार ऑयल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में है भाई इसका ऑयल। एक बार चेक भी करो, गया यार गया, पहली बार मैंने इतना लेट करा रहा हूँ मैं इसकी सर्विस, वरना मैं कभी नहीं कराता इसकी सर्विस इतनी लेट। लो तो भाई भाई कह रहे हैं ऑयल तो निकला ही नहीं इसमें देख लो, एक लीटर है पूरा ऑयल। हाँ एक लीटर ही है बस, इसमें ऑयल तो भाई आया ही नहीं है बुलेट में, मतलब ज़्यादा हालत ख़राब थी भाई इसकी, बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में। अभी ज़रा एयर फिल्टर की भी कंडीशन देख लेते हैं। तो भाई ये खुल गया अपना एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर की भी कंडीशन काफ़ी बुरी है, बुरी है ना, ख़त्म है भाई। ये देखो एयर फिल्टर भी ख़त्म पड़ा है यार इसका, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो भाई ये सारी मिट्टी इसकी है, अभी मैं साफ़ कर रहा हूँ। और ये देखो इतनी ज़्यादा बेकार कंडीशन में है भाई साहब, क्यों मिट्टी है वे। तो भाई ये रहा अपना नया ऑयल फिल्टर, और ये जेनमैन रॉयल इनफील्ड का है, मैंने इससे पहले आपको दिखा दिया, लगाओ भाई इसे, ये चला गया भाई अपना ऑयल फिल्टर, और ये लग गई इसकी पैकिंग। बाकी ऑयल फिल्टर लग चुका है अब अपने धनों में, अब देखते हैं भाई और क्या काम होता है। बाकी का सामान यहाँ पर रख दिया है अपना एयर फिल्टर, और आगे का डिस्क ब्रेक मेरे को लग रहा है अभी भी इसके डिस्क पैड नहीं घिसे हैं भाई, तो बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। और ये रही अपनी क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर। सो दोस्तों ये लग गया नया वाला एयर फिल्टर भाई अपने धनों में, इसका ऑयल फिल्टर लग चुका है, इसका एयर फिल्टर लग चुका है, पर
ना तो इसकी भाई क्लच की वायर लग सकती है, ना इसकी एक्सेलेटर की वायर लग सकती है, क्योंकि वो है भाई BS4 की और ये है भाई BS6। ये यहाँ पर मेरे को भैया ने बताया कि वो मैं वायर दोनों ही गलत लेकर आ चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, उसे चेंज करा लेंगे और वो मैं बाद में लगवा लूँगा। बाकी चलो ये देखते हैं इसके आगे का जो डिस्क पैड है वो भी घिसा हुआ है या नहीं घिसा हुआ है, या वो भी थोड़ा चल जाएगा, वो भी अभी चेक कर लेंगे भैया और बता देंगे। तो भाई ये आ गया अपने धन्नो का स्पार्क प्लग, पर मेरे को लग रहा है यार ये ख़राब हो चुका है, भाई कह रहा है कि ठीक है मत कराओ चेंज, इसे साफ करके मैं लगा दूँगा। तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है, बाकी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगा, मेरा मन करेगा तो चेंज करा दूँगा, ना तो इसे ऐसे ही रहने दूँगा, साफ़ करके यही लगा देंगे। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मन करा तो चेंज करा दूंगा, और मेरा भाई मन कर गया, तो इसे अब नया वाला स्पार्क प्लग मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि तो भाई है तो पुराना ही ना, माना कि अभी ख़राब नहीं हुआ है, पर क्या पता आगे जाके हो जाए, तो ये क्यों रिक्स लेना, तो इसलिए मैं स्पार्क प्लग भी भाई इसका चेंज करा रहा हूँ। तो मैंने भाई को दे दिया स्पार्क प्लग, वो अभी लगा देंगे इसे, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई इसमें और क्या क्या काम होता है, बाकी वीडियो में बने रहो, एंड में आपको सब कुछ मैं समझा दूंगा, ठीक है, जितनी भी मोटी मोटी बातें होंगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और बाकी यहाँ लग चुका है भाई अपना नया वाला स्पार्क प्लग, ये लग गया, ठीक है, तो अभी भाई को लगाने देते हैं इसमें और इसके बाद देखते हैं क्या होगा इसमें। तो यार अभी भाई ने इसी चैन वैन भी कस दी है, ठीक है ना, और आगे का जो ब्रेक शू था वो एकदम ठीक बता रहा है भाई, ये तो भाई कि मत कराओ भाई चेंज, अभी तो है कि उसमें जान, तो ठीक है उसे बाद में कभी चेंज करा लेंगे जब उसको लगेगी ज़रूरत उसे चेंज कराने की। वैसे लेकर तो रख ही रखा है भाई, देखो ये रहा, लेकर तो रख ही रखा है, बाकी जब इसकी ज़रूरत होगी तब इसे गिरवा देंगे अपने धंधों में। और अब दोस्तों इसमें इंजन ऑयल डलने लगा है, बस कुछ ही देर में इसमें भाई इंजन ऑयल भी गिर जाएगा। इसका कहाँ कहाँ से खोला था इंजन? तीन जगह से। तीन तीन कौन सी जगह? आगे वाला चैम्बर, एक मेन चैम्बर होता है, गेयरबॉक्स का होता है, तीन होता है। अच्छा, आगे वाला चैम्बर, एक पीछे वाला और एक मेन होता है गेयरबॉक्स का, है। तो अभी मैं दिखाता हूँ भाई ये छोटा सा, ये कहाँ का है फिल्टर? ये गेयरबॉक्स का फिल्टर है, मेन इंजन का, जो कचरा भरा होता है ना इसमें लगा रहेगा। अच्छा, निकला था कुछ इसमें, साफ था। ये आ गया भाई अपने बुलेट का इंजन ऑयल, और अब ये जा रहा है भाई अपने बुलेट के इंजन में, ये देखो। और यार पूरा 2.5 लीटर गिरता है अपनी बुलेट के सभी इंजनों में, ठीक है, अपनी मतलब क्लासिक, इलेक्ट्रा, मतलब जितने भी हैं इन सब का इंजन तो सेम है, बस नाम ही अलग है। इन सभी में भाई 2.5 लीटर गिरता है इंजन ऑयल, और ये जो पूरा कैन है ये पूरा 2.5 लीटर का ही आता है। अब इसमें भाई इंजन ऑयल भी गिर चुका है, इसका एयर फिल्टर भी गिर चुका है, ऑयल फिल्टर भी गिर चुका है, और इसमें क्या हुआ है, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। बाकी इसके ब्रेक्स जो थे वो आगे पीछे के एकदम सेट पड़े हैं, और हाँ, स्पार्क प्लग भी गिरवाया भाई मैंने इसमें, ठीक है, वो एक चीज़ और ऐड हो चुकी है। बाकी वीडियो में बने रहो भी, एंड में मैं आपको सभी चीज़ों के प्राइस बता दूंगा, लेबर चार्ज इंक्लूड करके, ठीक है, कि हमारे यहाँ कितनी लेबर चार्ज लगती है। तो बाकी अभी इंजन ऑयल इसमें पूरे अच्छे तरीके से गिरने देते हैं, और देखते हैं इसके बाद कुछ होता भी है नहीं होता, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको मिल जाऊँगा सीधा एंड में, और अगर कुछ होता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अब इसमें क्या रह गया, सब तो हो गया है, बस इसकी लाइट वगैरह ब्रेक व्रेक रह गए हैं, लाइट तो इसकी ख़राब है, एक इंडिकेटर ख़राब पड़ा है, पीछे की बैक लाइट ख़राब पड़ी है। और भाई इसमें एक और कमी आ चुकी है, इसका ये वाला इंडिकेटर का बल्ब भी फ्यूज़ हो रखा है, और भाई इसका बैक लाइट का भी बल्ब फ्यूज़ हो रखा है। तो ये दोनों चीज़ें अभी गिरवा देते हैं, और बाकी अब यहाँ से चलते हैं घर, और अपनी बुलेट की सर्विस हो चुकी है एकदम डन। बाकी अब मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो भाई चौड़ा टायर का आज मेरे को एक डिसएडवांटेज पता लगी है भाई, ये मैं समझ रहा था कि इसके बल्ब ख़राब है, बल्ब ख़राब नहीं है भाई, इस चौड़े टायर ने जो इसकी वायरिंग होती है ना पीछे टेल की, ये पूरी काट दी है। ये देखो, ये है मेरी पुरानी वाली वायरिंग, ये हाल कर दिया भाई, देखो चौड़े वाले टायर ने एकदम काट कूट दी, मतलब ख़राब हो चुकी है अपनी वाली वायरिंग। अब मैं फिर ये स्विच भी लेकर आया हूँ भाई, वायरिंग, इसके वायरिंग भी लेकर आया हूँ, और सारे बल्ब भी लेकर आया हूँ, ये भी आज चेंज कराने जा रहा हूँ मैं। कैमरा के आगे तो यार सब कुछ काम एकदम छोटा छोटा सा लगता है, पर कैमरा के पीछे बहुत कुछ काम कभी कभी ये बता देती है मेरे को, कभी कभार मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाता भी नहीं हूँ कि कभी आप सोचो कि यार इतने सारे काम, पर ये चीज़ मेरे को लगी कि आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैं भाई
बता रहा हूँ, चौड़े टायर लगवाने के बाद ये एक दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये चौड़े टायर दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, पर थोड़ा कभी कभी खर्चा भी करा देते हैं, पर कोई बात नहीं, शौक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। ये मैं शुरुआत से ही कहता हूँ जब से मैंने YouTube चैनल खोला है, शौक को नहीं मारेंगे भाई कभी, चाहे खर्चा और ज़्यादा हो जाए। अभी ये देखो पूरा टायर भी खोल दिया है, अब इसकी भी भाई लेबर चार्ज लगेगी। कोई नहीं भाई। अब मैं ये सारे बल्ब भी इसके चेंज करा रहा हूँ, इसके पार्किंग वाले बल्ब भी मैं चेंज करा रहा हूँ। ये थे तो दोनों वाइट, पर इनकी जो वाइट की क्वालिटी थी वो दोनों की अलग अलग थी, और इसका जो बीच वाला या अंदर वाला भी एक पार्किंग बल्ब होता है ना, वो भी ख़राब पड़ा था, वो भी मैं आज चेंज करा रहा हूँ। तो बाकी इतना कुछ काम हुआ है अपनी बुलेट में, और इसकी सर्विस हो चुकी है अब डन। बाकी मिलते हैं आपसे अब सीधा घर पर, और अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या चीज़ मेरे को कितने की पड़ी, लेबर चार्ज कितने की लगी, वो सभी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, अब मैं घर आ चुका हूँ, और यार अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस टाइम टू टाइम कराया करो, ठीक है। इस बार मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने भी अपनी बुलेट की सर्विस काफी ज्यादा डिले कर दी थी, पर कोई बात नहीं, अब मैंने भाई अपनी बुलेट की पूरी एकदम तगड़े तरीके से सर्विस करा दी है। इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इसका इंजन ऑयल, ये सभी चीजें मैंने चेंज करा दी थी, जो एक मेजर सर्विस में होती है चीजें। बाकी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बुलेट का जब ऑयल ड्रेन करते हैं, जो मैकेनिक लोग होते हैं वो जब ऑयल निकालते हैं ना भाई इसमें पुराना वाला, तो वो सिर्फ दो ही बोल्ट खोलते हैं, तीसरा वाला नहीं खोलते। तीसरा वाला कौन सा, एक इंजन का ना फिल्टर होता है, वो वहां पर उन्होंने मेरे को नाम बताया था, वो तो मैं थोड़ा भूल गया, पर एक इंजन का फिल्टर होता है नीचे की तरफ, बीच की तरफ है, दो बोल्ट यूं वाले खुलते हैं, एक उसके बीच में भी जगह होती है जहां वो फिल्टर लगता है, छोटा सा फिल्टर होता है वो, उसे भी खोलना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो ड्रेन हो सके। और तीन चार साल हो गए हैं मेरी बुलेट को, और वो पहली बार खुला है भाई आज, तीन चार साल में वो आज पहली बार खोला था। तो उसमें कुछ देखो, अगर उसमें वो फिल्टर क्या काम करता है, आपके इंजन में कुछ भी अगर कोई गंदे पार्टिकल्स चले जाते हैं मोटे, तो वो फिल्टर में आकर अटक जाते हैं, वो इंजन में नहीं घूम पाते पूरे तरीके से, तो कुछ ये काम करता है भाई वो फिल्टर। पर जो मेरा था वो इंजन का फिल्टर, वो एकदम साफ निकला था, उसे तो ऐसा लग रहा था साफ करने की भी जरूरत नहीं है, यूं ही लगा दो, पर हमने फिर भी उसे अच्छे से साफ करके लगाया, और फिर दोबारा भाई हमने उसे फिट कर दिया, और इसमें ऑयल गेर दिया, और इसमें पूरा एकदम नया ऑयल चढ़ चुका है, और जो इसका पुराना ऑयल था वो अच्छे तरीके से भाई हमने बाहर आने दिया। कम से कम आधे घंटे तक तो मैंने अपनी बुलेट को यूं ही खड़ा छोड़ दिया था, ताकि उस पर अच्छे से जितना भी उसमें गंदा ऑयल है वो सब बाहर आ जाए। और इस बार मैंने फुल्ली सिंथेटिक ऑयल नहीं गिरवाया, वो इसलिए क्योंकि मैं जो अभी कुछ दिन बाद देखना आपको कुछ कहीं अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकती है, वो तो अभी पता लगेगा कुछ दिन बाद ही, उस वजह से मैंने अभी इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा ऑयल नहीं गिरवाया। पर यह भी ऑयल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा ऑयल है, अगर आप इसे 3000 किलोमीटर पर ही चेंज कर दोगे, और मैं इसकी 3000 किलोमीटर पर ही इस ऑयल को निकाल दूंगा, उसके बाद मैं गिरवाऊंगा फुल्ली सिंथेटिक। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, मेरे जितना भी सामान था मेरी बुलेट की सर्विसिंग का, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और तुम्हारी एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर, और एक स्पार्क प्लग भी गिरवाया था मैंने इसमें, ये सभी मेरे को, स्पार्क प्लग तो मेरे को वहीं पे दे दिया था भैया ने 80-90 रुपए का, और बाकी का जो वो सामान था सब कुछ, इंजन ऑयल, ऑयल जितना भी वो सब कुछ सामान था जो मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था भाई, वो मेरे को पड़ गया था 1300 रुपए का, वो सारा मेरा सामान था, जिसमें बस मेरे को याद है इंजन ऑयल मैंने 700 रुपए का लिया था, बाकी जो वो छोटे मोटे सामान थे, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, वो सबका रेट थोड़ा बहुत मैं भूल चुका हूँ, मैं लिख के नहीं लाया था, पर मेरे को इतना पता है भाई मैंने वहां पे 1300 रुपए दिए थे, और ये सारा सामान मेरे पास आ गया था, इतना आप आइडिया बनाकर चलो। बाकी यही थी कुछ अपनी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं फिर दोबारा किसी और नई वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ, तो ओके भाई, राम राम।